हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोई के पत्ते की पकौड़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पर पोई के पत्ते को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको एक के ऊपर फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पोए को लंबे लंबे पीसेज में कट किया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी तरह सारे पोए को कट कर तैयार कर लेंगे। पोए के पत्ते के पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर सारे पोए के पत्ते कट कर रेडी हो चुके हैं। अब इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक मलतख्ता लिया है, उसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 6 से 8 काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को कूट लेंगे और इसे दरदरा सा कूटना है, बहुत फाइन पाउडर तैयार नहीं करना है, बस इस तरीके का होना चाहिए, दरदरा सा। अब पोई में मैंने डाला है प्याज, ये 2 प्याज है स्लाइसेस में कटे हुए, और 7 से 8 कली लहसुन बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक बारीक कटी हुई, और 1 कप बेसन मैंने इसे छान के लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला कूट के रखा था, इसे सारे मसाले को डाल देंगे इसमें, और डालने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी बेकिंग सोडा, ये मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी बहुत ही ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो आप पानी बिल्कुल ऐड नहीं करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब भी आप पकौड़े बनाएं तो आप तुरंत ही बना के तैयार कर लें, इसे मिक्स करके छोड़ें नहीं, इसलिए कि इसमें पानी बहुत सारे रिलीज हो जाएंगे और पकौड़े अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। अगर आप तुरंत बना लेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। और मैंने यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म कर लिया था, और ये सरसों तेल है, और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो गया तो इसमें सारे पकौड़े को डाल देंगे, और पकौड़े डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम लो रखेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जब एक साइड से फ्राई हो जाए तभी दूसरे साइड से पलट कर फ्राई करेंगे, और इस तरीके से सारे गोल्डन फ्राई हो जाए तब इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर इसी तरह सारे पकौड़े को बनाकर तैयार कर लिया है मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आसान रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।